नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पर्यटन विभाग दे रहा रोजगार का सुनहरा मौका। एसएससी सीजीएल टीयर 1 का परिणाम हुआ जारी। 10 स्टेट हाईवे बनाने का रास्ता हुआ साफ। इन जिलों को मिलेगा फायदा। बाढ़ के पानी से ऐसे मिलेगा निजात। रोहित कोरोना को मात देने के बाद नेट्स पर लौटे। अब चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। पर्यटन विभाग दे रहा रोजगार का सुनहरा मौका। बिहार सरकार प्रदेश में पर्यटन को लगातार बढ़ावा दे रही है। इसके लिए बिहार की पर्यटन विभाग आए दिन पर्यटकों के लिए नई सुविधा भी मुहैया करवा रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने अब राज्य के सभी पर्यटन केंद्रों तक पहुंचने वाले रास्तों के किनारे पर जल्द ही रेस्टोरेंट और ढाबा खोलने का बढ़ावा देने जा रही है, जिसके लिए सरकार अनुदान भी देगी। इसके लिए पहले चरण में राजगीर, बोधगया, वैशाली और गया के रास्तों को जोड़ा जाएगा। यही नहीं, पहले से इन मार्गों पर संचालित ढाबा और रेस्टोरेंट को भी अनुदान की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार पुराने ढाबे और रेस्टोरेंट के लिए 20 लाख तक का अनुदान देगी। वहीं पर्यटन केंद्रों तक जाने वाली सड़क पर हर 50 किलोमीटर पर निवेशकों की मदद से प्रीमियम सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। इसके लिए करीब 1.5 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। इसके लिए पर्यटन विभाग जल्द ही निजी निवेशकों से आवेदन लेगा। किराए पर भवन लेकर चलाया जाएगा आवासीय स्कूल। प्रदेश भर में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए सरकार मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था कर रही है। इसकी जानकारी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने दी है। मंत्री जमा खान ने बताया कि किशनगंज के कोचा धामन में भी 55 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय बनकर तैयार है। 10 करोड़ की लागत से छात्रावास बन रहा है। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ 5 जिले में ही आवासीय विद्यालय बना है। 13 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम समुदाय की आबादी अधिक है और सरकारी आवासीय विद्यालय नहीं बन सका है। वहां किराए पर भवन लेकर आवासीय स्कूल चलाया जाएगा। इसके बाद यहां अल्पसंख्यकों के लिए निशुल्क कोचिंग सुविधा दिया जाएगा। जमा खान ने बताया कि स्कूल की तरह मदरसों में भी वैसी सुविधा और पठन पाठन होगा। वहीं पटना में न्यायिक सेवा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग भी चलाया जा रहा है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए इन स्टेशनों के बीच चल रही विशेष ट्रेन। रेल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसके लिए रेलवे ने कोलकाता और रक्सौल के बीच विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। साथ ही अमृतसर के लिए भी स्पेशल ट्रेन के परिचालन का फैसला किया गया है। जिन ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है उनमें सहरसा अमृतसर स्पेशल ट्रेन, दरभंगा अमृतसर स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। वहीं गाड़ी संख्या 03119 कोलकाता रक्सौल स्पेशल ट्रेन कोलकाता से 6 जुलाई को दोपहर 12:30 खुली, जो अगले दिन सुबह 4 रक्सौल पहुंचेगी। वापसी से 03120 रक्सौल कोलकाता स्पेशल ट्रेन 7 जुलाई को रक्सौल से सुबह 7 खुलकर मध्यरात्रि 12:30 कोलकाता पहुंचेगी। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि यह संक्षिप्त जानकारी है। विस्तृत जानकारी के लिए आप रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर एक बार जरूर विजिट करें। 10 स्टेट हाईवे बनाने का रास्ता हुआ साफ। इन जिलों को मिलेगा लाभ। बिहार सरकार यातायात सुविधा पर विशेष ध्यान दे रही है। यही वजह है कि सड़क मार्ग पर भी लगातार काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब बिहार में 10 नए स्टेट हाईवे के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इन सड़कों के बनने से 13 जिलों के लोगों को सीधा लाभ होगा। स्टेट हाईवे के निर्माण में एशियन विकास बैंक ADB कर्ज देकर सहयोग करेगा। आपको बता दें कि विशेष आयुक्त की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी ने सभी 10 SH यानी कि स्ट्रीट हाईवे के बनने पर मुहर लगा दी है। वहीं आज या कल में इसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। इसके बाद ADB से कर्ज लेकर सड़कों का निर्माण कार्य शुरू होगा। इस योजना से जिन जिलों को लाभ मिलने वाला है उनमें सुपौल, छपरा, सिवान, बक्सर, नवादा, गया, भोजपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, बांका, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा शामिल हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर। बिहार सरकार यातायात सुविधाओं पर भी खास ख्याल रख रही है। इस बीच बिहार सरकार ने बिहार और पश्चिम बंगाल से आने वाले यात्रियों को बड़ी खुशखबरी दी है। आपको बता दें कि जल्द ही बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच 17 रूटों पर बस चलेंगे। इसमें बिहार समेत पश्चिम बंगाल के कई जिले शामिल हैं। बस परिचालन शुरू होने से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने पिछले दिनों बस संचालकों से आवेदन मांगा था। इसके बाद बस मालिकों ने इसके लिए आवेदन सौंपा है। वहीं इसके बाद अब बस मालिकों को 17 तय रूटों पर बस चलाने की अनुमति दी जाएगी। बाढ़ के पानी से ऐसे मिलेगा निजात।
प्रदेश में भले ही मॉनसून अभी कमजोर पड़ गया हो, लेकिन अभी भी बाढ़ का खतरा टला नहीं है। वहीं मॉनसून की बारिश ने पहले से ही कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर चुकी है। ऐसे में बिहार सरकार ने बाढ़ के पानी से बचने की नई तरकीब निकाल ली है। बिहार सरकार ने नदियों के उफान और उसके पानी के बहाव की तीव्रता को रोकने के लिए उसे नहर में भेजने की योजना बनाई है। यह न केवल बाढ़ के प्रसार को रोकेगा बल्कि तटबंधों पर पड़ रहे अनावश्यक दबाव को भी कम करेगा। इसके साथ साथ इससे सिंचाई के लिए भी किसानों को व्यापक सुविधा मिलेगी। किसानों को जरूरत का पानी अपने नहरों से मिल सकेगा। इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाकर काम किया जाएगा। एएसआई को मिला विशेष अधिकार। बिहार में अब एएसआई भी गंभीर कांडों को डील करेंगे। दरअसल राज्य में पेंडिंग मामलों की फाइलों में बढ़ोतरी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा निर्णय लिया है। पुलिस मुख्यालय के अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी के एडीजी ने निर्देश देते हुए पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से राज्य के सभी एएसआई को निर्देश दिया गया है कि वो अब गंभीर कांडों की जांच की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन को लेकर राज्य सरकार और बिहार पुलिस ने एक और बड़ा निर्णय कुछ दिन पहले ही लिया था। इसमें पुलिस विभाग से रिटायर होने वाले एएसआई और इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारियों को संविदा पर पुनः बहाल किए जाने का निर्देश जारी किया गया था। पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए बिहार को मिले इतने करोड़ रुपए। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव में निवास करने वाले अंतिम पायदान के व्यक्तियों तक विकास पहुंचाने में सतत प्रयत्नशील हैं। इस बीच सम्राट चौधरी ने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में केंद्र सरकार ने टाइट अनुदान मद में प्रथम किश्त के रूप में 1152.60 करोड़ रूपए की राशि बिहार को दी गई है। यह राशि बिहार की 8067 ग्राम पंचायत, 533 पंचायत समितियां एवं 38 जिला परिषदों को सुदृढ़ करने के लिए दी गई है। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से धरातल पर काम करने का आदेश दिया और गैर जिम्मेदाराना कार्य करने वाले प्रतिनिधियों पर कार्यवाही की चेतावनी भी दी है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 का परिणाम हुआ जारी। वैसे उम्मीदवार जो इस साल एसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे उनके लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि एसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो अपना रिजल्ट एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस परीक्षा में जो छात्र पास होंगे वही उम्मीदवार टीयर 2 परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। एसएससी सीजीएल 2022 की परीक्षा पैटर्न के अनुसार टीयर 2 में कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा पहली परीक्षा से थोड़ी मुश्किल होगी। इसमें क्वालिटेटिव एबिलिटी, स्टेटिस्टिक्स, जनरल स्टडीज और अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर एग्जीक्यूटिव लाउंज बनकर हुआ तैयार। रेलवे यात्रियों के लिए सुविधाएं विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बिहार के सबसे बड़े स्टेशन पटना जंक्शन पर यात्रियों को अब एग्जीक्यूटिव लाउंज की सुविधा जल्द ही मिलने वाली है। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर पूर्वी हिस्से में लाउंज बनकर पूरी तरह से तैयार है। इसका उद्घाटन अब जल्द ही किया जाना है। हालांकि दानापुर रेल मंडल ने अभी इसके उद्घाटन के लिए समय मांगा है और इसी महीने उद्घाटन किए जाने की उम्मीद है। इस एग्जीक्यूटिव लाउंज में कंफर्टेबल चेयर, बफे, बिजनेस सेंटर और शावर रूम जैसी सुविधाएं होंगी। बच्चों के खेलने के लिए वीडियो गेम्स होंगे। महिलाओं के मनोरंजन की सुविधा होगी। लजीज नाश्ता और भोजन की सुविधा भी यात्रियों को मिलेगी। इस खबर को सुनकर आम रेल यात्री लेंगे राहत भरी सांस। कोरोना महामारी से बचने के लिए और ट्रेनों में ज्यादा भीड़ ना हो इसके लिए पैसेंजर ट्रेनों में भी यात्रियों को आरक्षण के द्वारा सीट रिजर्व करने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि अब कोरोना का प्रभाव उतना नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से रेलवे ने पूर्व की तरह ही मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के जनरल बोगी के लिए आरक्षित टिकट की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। इस संबंध में रेलवे ने सभी जोन को पत्र जारी कर दिया है। इसके बाद अब सामान्य कोच से यात्रा करने वाले यात्री टिकट काउंटर से सामान्य टिकट लेकर इन ट्रेनों से यात्रा कर सकेंगे। उन्हें रिजर्वेशन नहीं कराना होगा। वहीं सवारी यात्रियों को भी अब स्पेशल किराया नहीं देना पड़ेगा। आईसीयू में एडमिट लालू यादव की तस्वीर आई सामने। राजद सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत इन दिनों बेहद खराब हो गई है। लालू यादव फिलहाल पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनकी सेहत को लेकर आई ताजा अपडेट में बात सामने आई है कि उनकी तबीयत में स्थिरता बनी हुई है। हालांकि वो अभी पारस हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में भर्ती हैं। इस बीच लालू यादव की कुछ तस्वीर सामने आई हैं, जिसमें लालू यादव अपनी बेटी से वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहे हैं। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से साझा किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, माय हीरो, माय बैकबोन पापा, गेट वेल सून। मालूम हो कि 10 सर्कुलर आवास पर सीढ़ियों से उतरने के दौरान लालू यादव का संतुलन बिगड़ गया था और वह गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके कंधे में फ्रैक्चर हो गया था।
बिहार पहुंची राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज बिहार पहुंची हैं। द्रौपदी मुर्मू देश भर में बीजेपी और एनडीए के सभी घटक दल के नेताओं से मुलाकात कर उनसे अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रही हैं। इसी कड़ी में द्रौपदी मुर्मू आज सुबह बिहार की राजधानी पटना पहुंची। उनके स्वागत में बिहार के तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता एयरपोर्ट पर पहुंचे, जिसमें उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सहित बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी शामिल थे। इसके बाद पटना में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद वे होटल मौर्या पहुंची, जहां उन्होंने एनडीए के सभी नेताओं से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। देश भर में कोरोना के मामले में उतार चढ़ाव जारी। देश भर में आज यानी मंगलवार को बीते 24 घंटों के दौरान कोविड 19 के 13,086 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले सोमवार को सामने 16,135 कोरोना के मामले सामने आए थे। इस दौरान जान गंवाने वालों की संख्या 19 रही है, जिसके चलते देश भर में कोरोना से जान गंवाने वालों की आंकड़ा 5,25,242 हो गया है। वहीं 12,456 मरीज कोविड से ठीक भी हुए हैं। देश भर में कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीजों की संख्या 4,28,91,933 हो गई है। वहीं रिकवरी रेट 98.5% है। रोहित कोरोना को मात देने के बाद नेट्स पर लौटे। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है। कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से ही आइसोलेशन में थे, लेकिन अब वो कोरोना से उबर चुके हैं और उन्होंने नेट सेशन में पसीना बहाना शुरू कर दिया है। रोहित शर्मा के अभ्यास का वीडियो बीसीसीआई ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। बीसीसीआई ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें रोहित शर्मा ऑफ स्पिनर आर अश्विन की गेंद पर प्रैक्टिस करते हुए देखे जा सकते हैं। बीते दिन पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, उमेश ऋषिदेव, रघुनाथ प्रसाद, शंकर मुखिया, रघुनाथ प्रसाद, कविता कुमारी, रंजीत मिश्रा, नुनू कुमार, हिफाजत करीम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे काम से आप कितने संतुष्ट हैं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बिहार से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।